तक रिलीज होगी परदेश 2। क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें थी फिल्म परदेश में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक गुप्ता है। मैं तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ बॉलीग्राड स्टूडियोज की आज की इस नई वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे अपकमिंग फिल्म परदेश 2 के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के सारे सवाल जानने हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सारे अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। परदेश 1997 के सुभाष घई द्वारा निर्देशित हिंदी भाषा की संगीतमय नाटक फिल्म है। फिल्म में शाहरुख खान, अमरीश पुरी, आलोक नाथ और नवांगतुक महिमा चौधरी और अपूर्व अभिनोत्री शामिल हैं। ये फिल्म वाणिज्यिक, आलोचनात्मक और संगीत के दृष्टिकोण से हिट थी। महिमा चौधरी ने अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ नवांगतुक पुरस्कार जीता था। फिल्म की कहानी भारतीय संस्कृति पर निर्भर करती है और अमरीश पुरी यानी कि किशोरी लाल अमेरिका में रहने वाला एक धनी व्यापारी है, जो भारत में आकर अपने पुराने दोस्त सूरज देव यानी कि आलोक नाथ से मिलता है। किशोरी लाल को भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव है। अपने बेटे के लिए किशोरी सूरज की बेटी गंगा का हाथ मांगते हैं और क्योंकि किशोरी पूरी तरह से पारिवारिक फिल्म परदेश सिर्फ महिमा चौधरी की नहीं अपूर्व अग्निहोत्री की भी पहली फिल्म थी। अब इस फिल्म के बाद भी वो कुछ और फिल्मों में नजर आए, लेकिन जस्सी जैसी कोई नई पॉपुलर सीरियल में अरमान मलिक के साथ किरदार ने उन्हें वापस कर लेके लाइमलाइट में ला दिया। सुभाष घई की फिल्म परदेश को आज भी लोग भूल नहीं पाए और इससे अच्छी बात उनके लिए और क्या ही हो सकती है। आइए आपको बताते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ मजेदार बातें जो आपको शायद बिल्कुल नहीं पता होगी और आपको जानकर हैरानी होगी। लेकिन इस फिल्म के लिए आमिर खान को पहले सुभाष घई कास्ट करना चाहते थे, लेकिन डेट्स की वजह से आमिर ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। सुभाष घई और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल 18 साल तक लगातार काम करते आ रहे हैं, लेकिन इस फिल्म से इनकी जोड़ी टूट गई और सुभाष घई नदीम श्रवण को परदेश के म्यूजिक के लिए चुना था। अब वो अपनी इस फिल्म में कुछ बदलाव चाहते थे, लेकिन फिल्म के लिए सुभाष घई की पहली पसंद महिमा चौधरी नहीं बल्कि माधुरी दीक्षित थी। माधुरी दीक्षित के मना करने के बाद सुभाष घई जूही चावला को लेना चाहते थे, लेकिन इसके बाद उन्हें लगा कि फिल्म में कोई नया चेहरा शाहरुख खान के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा और ऑडिशन कर वो महिमा चौधरी को फिल्म के लिए फाइनल करा। दोस्तों, अब शायद हमें जल्दी देखने को मिल सकती है परदेश 2। आपको क्या लगता है कौन कौन होगा उनकी कास्ट में और कौन शायद शाहरुख खान फिल्म में नजर आएंगे फिर से नई हीरोइन के साथ, या फिर उनकी कोई पुरानी हीरोइन होगी? क्या आमिर खान निभाएंगे रोल? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अलविदा।